आन टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं हूँ मुर्तजा चौधरी और मैं हूँ मुस्तफ़ा और ये है M&M शो जो आप देख रहे हैं आन नेटवर्क पे, जिसकी पहचान है रिश्ते कराने वाले। नहीं, रिश्ते कराने वाली नहीं। अच्छा, रिश्ते यानी कि जो फैमिली ओरिएंटेड ठीक है इंटरटेनमेंट होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आज जो हमारे मेहमान हैं, एक तो वो बात है ना कि कुछ हमने यहाँ पे वो बना लिया कि लेजेंड ये लोग हैं, जिसके अक्सर आप जैसे लोग उनके खिलाफ बात भी कर देते हैं, पर आज जो लोग हैं एक तो हमारे बड़े सीनियर एक्टर हैं और लेजेंडरी एक्टर हैं, एक है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी क्योंकि हम उनको भी बचपन से देख रहे हैं तो वो भी समहाउ उसी में आते हैं, हालांकि वो नौजवान है अभी तक, सही, लेकिन लेजेंड है दोनों। आपको खामोश लग रहे हैं मुझे, खैरियत? नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। जी हाजिर हूँ। तो सबसे पहले हमारे एक लेजेंडरी एक्टर, बहुत बड़ा नाम, हमारे फेवरेट, और हम उनको अपने बचपन से, कई लोगों ने उनको अपनी जवानी में भी देखा और कई जो है जो उनको नहीं देख सके तो हम चाहते हैं वो भी देखें, क्योंकि हमारे चैनल का जो मकसद है वो ये है कि फैमिली इंटरटेनमेंट, और वो फैमिलियाँ जिनके बच्चे भी आगे के दौर में जो बाद में पैदा हुए हैं उनको भी नहीं पता उनके बारे में इतना जितना हमें पता है, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं और हम चाहते हैं उनको भी पता लगे। तो खवातीन हज़रात, सबसे पहले हम बुलाएंगे जनाब इस्माइल तारा, हमारे मुल्क के बहुत बड़े लेजेंडरी एक्टर इस्माइल तारा साहब। आपसे गुजारिश है, प्लीज तशरीफ लाएं। तारा साहब कहीं फंस गए मेरे साथ? रू निकल रही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई नहीं, जा यार, मैं तो जा पे जहाँ रुक गया आपने रोक दिया, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, हमारे उस्तादों की मैं भी, और भाई भी बहुत बड़े फैन है, हमारे लिए असल लेजेंड जैसे हम कहते हैं वो है हमारे लिए, एक तो आजकल के है ना वो वाले नहीं। हैप्पी न्यूज़ है मेरे लिए बहुत। और आपके पीछे हमने खास म्यूजिक लगाया। अब जो शख्सियत आ रही है जी जी, वो एक बहुत प्यारे दोस्त हमारे, बड़े भाइयों की तरह, और वो वैसी हमारी इज्जत भी वैसी करते हैं, हम भी उनकी इज्जत वैसी करते हैं। जी खवातीन हज़रात, अली सलमान, हमारे बहुत प्यारे भाई और हमारे दोस्त। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास जगह है। आपके पीछे वो साउंड लगाया, इनके पीछे गंदे साउंड लगा दिया। अली भाई यार, ये पता नहीं किसने लगाया यार, ये चीखों के मतलब आप दोनों खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहे कि जब आप मेरे पास आए थे, मेरी जगह पे आए थे, बिल्कुल आए, ऐसी कोई आवाज आपके होते हुए तो आई होगी आपके आने से पहले थी। नहीं नहीं, आपकी जगह बहुत जबरदस्त है, कॉफी हाउस जगह है सलमान भाई का, और नाम सॉरी मैं भूल गया, जैक बीन्स। जैक बीन्स बहुत मजेदार जगह है और वेरी गुड, बाकी उसमें फील है जगह का जी, कि मतलब ये आवाजें अच्छा मैं पहले परेशान हो गया। अच्छा, बड़ी जगह है। हाँ, जगह का वो जैसे कहे ना मसला हमारे मुल्क में है, वो है पता नहीं कब से सर, जगह सोसाइटियां बन रही है सर, जहाँ खाली जगह देखी नहीं सोसाइटी पुर कर देते हैं उसको, खाली जगह को, ये मसला हमारे मुल्क। आप लोग भी खाली जगह पुर किया करते बहुत। हम सर आप मैं कह रहा हूँ कि पुरबाश जी। अच्छा, जबरदस्त, बड़ा अच्छा। ये मैं चाह रहा हूँ सर, होता ना यूजुअली शोज में कभी भी, मतलब मकसद हम ये बोल रहे थे कि यार एक तरह का शो है कि आप आए और कुछ और तरह चल रहा है जो इंटरनेट पे आजकल चल रहा है, एक वो कि कभी मौका नहीं मिलता आपसे भी पूछने का और आपसे पूछने का कि वो किस तरह आपने, फॉर एग्जांपल मैं अगर पहले आपसे, हमारे बुजुर्ग भी हैं क्योंकि आप हाँ, करते मुझे तो वो जो सर शुरुआत ऐसे हम अभी मेकअप रूम में बात हो रही थी कि आप 50-50 की जो एपिसोड्स आप खुद लिखते थे, कुछ तो वो अनवर साहब के क्रेडिट पे थी। हाँ, हाँ। और सारा क्रेडिट उन्होंने ले लिया, आप क्या कह रहे खुद भी बहुत लिखी, लेकिन वही मसला है जी जी, नहीं नहीं वो जो नहीं अपना हॉक होगन के भाई तो वो आपने एपिसोड लिखे, वो कैसे स्क्रिप्ट होते थे कि उसमें वो माशरे का वो वाला पहलू भी होता था और सोसाइटी और उस दौर में जहाँ पर डिक्टेटरशिप भी, फिर बाद में वो एक अलग मामला थे सारे, वो मसले आज भी हैं, वो आज भी हैं है ना, डिक्टेटर वाले वो आज भी हैं, लेकिन उस वक्त बड़े मुश्किल हालात में आपने काम किया। मैं कह रहा हूँ पीटीवी पे कॉमेडी करना, सटायर करना बहुत
नामुमकिन बड़ी बात थी। बिल्कुल ऐसी। और आपको मजे की बात बताऊं मैं, ये हमेशा माशाल्लाह दौर में हुआ। अच्छा सर, माशाल्लाह से। लाहौर में जब थे वो भी माशाल्लाह दौर था, जहाँ जमहूरियत आती है तो वो खत्म हो जाता। वो अरे यार ये नहीं कर सकते, ये तो अरे नहीं भाई मर जाएंगे। पिछले तीन साल भी इसी तरह ही गुजरे सर। हाँ बिल्कुल है ना। नहीं वैसे अली भाई मैं आपको बताऊँ, जो हमारा शो भी जिन दिनों में बहुत ज्यादा वो हुआ वो मुशर्रफ का ही टाइम। वो टाइम ऐसा होता है जिसमें आपको ज्यादा क्रिएट करने को चीजें मिलती है। जियावलक के दौर में भी माशाल्लाह, जियावलक के दौर में किया ना पीपीटी, तो मुझे याद पड़ता है कि वो कह रहा है उनके पास शिकायत गई पुलिस वालों ने शिकायत, तो उन्होंने कहा कि भाई बताएं क्या शिकायत है, आप दिखाएं स्किट दिखाएं हम बताते हैं क्या है। तो वो स्किट ये था, एक आसार कदीमा का बंदा था, उसने पुलिस वाले को कहा कि यार ये प्रॉब्लम ये किस कबल मसीह का है। उसने कहा होने ले आओ। तो कहता एक फला कबल मसीह का किस तरह मैं दो छितर लाए ना ठीक हो गया। तो कह रहे वो जियावलक साहब ने कहा मुझे तो अब तक हंसी आ रही है देख। अगर मजाक में तंज का मजा हो या तंज होना चाहिए तो इसमें कुछ मसाइल नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसी बात। आपका क्या ख्याल है अली भाई? वैसे क्योंकि जिस तरह अली भाई ने अंग्रेजों से पंजाबी बुलवा ली है। मैंने इन्होंने कहा जियाद साहब का टाइम 50-50 था, फिर 90-10 आया जरदारी साहब जब आए, फिर उसके बाद मियां साहब आ गए 10-90 हो गया, फिर खान साहब आ गए वो हो गया हो गया। ऐसा हुआ है कि अभी होता चला जा रहा है, रुक नहीं जे रहा, की करिए हर चैनल पे 50-50 शो हो रहे हैं। हाँ ठीक है वो ही चल रहा है। लेकिन वैसे यूजली ये हुआ है आपके बहुत सारे बड़े प्यारे दोस्त जब भी ऐसा दौर आया है वो उनके साथ पाए गए। ऐसे ही पाए तो देखे जहाँ पे आप समझ गए ना लाहौर। मैं फखरे आलम की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसी लाहौर में नमक मंडी, चूना मंडी, ग्वाल मंडी तो फिर पाए जाएंगे कि नहीं। लेकिन आप एक मंडी मिस कर गए। आप देखिए मैं चाहता हूँ कि मैं अनकरीब आप लोगों की तरह कुछ करने वाला हूँ, करने तो पहले ना कम चुके हैं सर। लेकिन वैसे अली भाई आपके बारे में बहुत मशहूर बात है कि नहीं छोड़ा आपने कोई, मतलब आपने सारे मीडियम के लिए बड़ा काम। अच्छा मैं तो खुश हो गया था, ये क्रेडिट तो कुछ आ रहे हैं, नहीं छड़ेगा किसी कुछ भी मतलब। पावे आहो। अच्छा ये सिर्फ बातें बनी है कि मतलब वाइट से सीन होता है या नहीं? देखिए मतलब वाइट से मॉडलिंग वगैरह ये डिपेंड करता है कि मध्य मुकाबल कौन है। प्रॉब्लम भी बड़ी होती है क्योंकि आसमान से जमीन लेकिन आपका वैसे सर कद का इशू रहा है रही नहीं जिंदगी। वो भी रहा है। आपके सर तो सर मुझे लगता है नॉर्मल। इस्माइल तारा साहब का रिक्शा यहीं रोकेंगे हम और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मीटर वहीं से शुरू करेंगे। जी वेलकम बैक खवातीन हजरात। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बातें चल रही थी, दोबारा वहीं से शुरू करते हैं। कराची सर आप बहुत अरसे रहे? कराची में ही रहते थे जब आप वहाँ गए फिल्में और सब कुछ शुरू हुआ। वो असल में ऐसा हुआ कि पहला प्ले मैंने अलमरा में किया। ओके। वो उनका था अली सुफियान आफाकी साहब, पूरा ड्रामा उर्दू में था। ये नाम से ही लग रहा है कि बड़े जबरदस्त उर्दू। अलमरा टर्की वाला लग रहा है सर। तो मैं असिस्टेंट से पूछता था कि भाई यार मैंने ये बोलना है तो पंजाबी में कैसे बोलूं, वो जाके बोल देता था। अब उन्होंने जब सुना देखा तो कहने लगे अरे भाई सारा ड्रामा पंजाबी में कर दिया, यहाँ तक इस्माइल तारा भी पंजाबी बोल रहे हैं। तो मुनव्वर सईद साहब का ड्रामा था तो उन्होंने कहा कि इस्माइल तारा भी बोल रहे हैं, अभी पता करता हूँ मैं। तो वो फिर करते 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 शुरू हो गया। फिर मैंने काफी प्लेस किए वहाँ, फिर गुजरांवाला, फैसलाबाद, और उस जमाने में जो है ना तो मैंने कहा यार ये तो लाहौर जिम खाना जो है वो मेंबर के थ्रू 5,000 का था मंथली, मेंबर के थ्रू। ओके। तो फिर 1.5-2 साल मैं जिम खाना में रहा, लाहौर जिम खाना। अच्छा, इसके बाद वो हमायूं की फिल्म, वो फिल्म नहीं थी, वो
डिस्कशन हो रही है हुमायूं भाई की, क्योंकि बहुत वीडियोस भी आए थे जिसमें वो कह रही थी मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, वो रीजन कुछ और था, फिल्म तो बाद में बनी। मैं वो कह रही थी पंजाब से आऊंगी नहीं मैं, नहीं वो तो तब तक तो बहुत आगे थे। आपने क्यों नहीं किसी सीसीटीवी के अलावा किसी फिल्म में काम क्यों नहीं करता? देखिए मैं हुमायूं की जवानी फिर ना आएगी दोबारा पार्ट टू में मैं था, बस वो एक कॉल की वजह से मैं काम नहीं कर सकता। किसी ने कॉल ही नहीं किया। अच्छा, बाकी सब रेडी था। अच्छा, बाकी सब कुछ ओके था, किसी ने कॉल ही नहीं। नहीं वो तो कह रहे, मैंने सुना कि हुमायूं भाई ने अहमद अली भट्ट को और आसिफ चौधरी को तहखाने में रखा हुआ, ये उनसे काम करवाते हैं। ये गैंग का सरगना है हुमायूं भाई। हुमायूं अगर होते आज शो में साथ तो मैं हुमायूं को 1999 में लॉस एंजल्स ले जाता, उसके बाद हम दोनों फिर घर नहीं जा सकते। ये भी कोई ये वाकयात हुए। हाँ, ये आप हुमायूं जो भाई को से पूछिएगा जरूर। अच्छा, 1999 लॉस एंजल्स, आप और अली सलमान गए थे डिज्नी वर्ल्ड, उस दिन की हुआ ऐसा? वही हुआ ऐसी जड़ा जिमखाना लॉ डेट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, सिर्फ मैं तो भी कह रहा हूँ, लेकिन वो अच्छा वाक्य है। हाँ हाँ, वो तारीख गवाह है, माशाल्लाह खुल के गल कर रहे हैं। हाँ रुदी भाई, हाँ सर, अपने कार जाना है की गरी। अच्छा, ये भी मेरी पिछले दिनों अशरफ खान साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा 50-50 जो है वो एक गुलदस्ता भी था, उसमें जितनी भी इतनी सिटीज रहती है पाकिस्तान में उनकी भी एक मतलब नेचुरली एक रिप्रेजेंटेशन थी, पंजाब से थे, फिर वो एक पारसी हुआ करते थे, वो थे इस तरह से मिक्स। एक असल में वो जो प्रोग्राम था ना वो हर क्लास के लिए था, मास्टर्स के लिए भी था, सही हाई क्लास के, वो मिक्स था सारा प्रोग्राम, तो जिसको जो अच्छा लगता था वो अपने लिए उसको मतलब ये कि पसंद करता था। और एक चीज और बताऊं मैं, जो बात हम एक मिनट में या डेढ़ मिनट में करते थे उसके पूरे पूरे 25 मिनट के एपिसोड बन सकते, ऐसे था एक एक इशू पे। हाँ आराम से बन सकते, लेकिन वो डेढ़ दो मिनट में बात करते। आपने सर कुछ कभी डायरेक्ट नहीं किया कि यार इतना आपका एक्सपीरियंस है कुछ अपनी चीज दोबारा रीडू करना कोई 50-50? हाँ हाँ, बात पता क्या, अब नई टीम बनानी पड़ेगी। वो नहीं है, वो नहीं बन रही, वो बनेगी। आजकल सर काम कर रहे हैं आपको उनमें कोई पोटेंशियल? अब तो बहुत आसान हो गया है 50-50 को, अब तो जो मर्जी बोलो। तो ये जो ड्रामे आजकल बन रहे हैं आप देख रहे हैं? जी मैं ये आप ड्रामे में आने वालों पे ज्यादा नजर आप दोनों सूटों में इंसान को कुछ लगना चाहिए। नहीं वैसे कैसा आपके ख्याल में छोटा? यार देखें, मेरा रूल ऑफ थंब बड़ा सिंपल है, आई हैव अ डाइवर्सिफाइड फैमिली, मतलब जिसमें अम्मी से लेकर बेगम से लेकर बेटी से लेकर अगर तीनों किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाए ना, दे वॉचिंग समथिंग। वो जो इसमें जैसा इस्माइल भाई बता रहे थे 50-50 वाज अ फिनोमेना फॉर एवरी फैमिली मेंबर फॉर ऑल क्लासेस, तो वो फौरन समझ आ जाता है कि यार। और आज भी जो हमारे इश्यूज है ना, अगर जनरली इश्यूज के ऊपर कोई ड्रामा बन जाता है वो हो जाता है तो पकड़ फौरन लेता है। जैसे मुझे और इस्माइल भाई को नुमान एजाज के मेरा साई ने बहुत इंस्पायर किया, जिसमें एक आदमी बस शादियां करते ही जा रहे हैं, हसरत उन गुंचों पे जो खेल के भी हो जाते हैं, खेल के भी। लेकिन आपका ये है कि वो इमरान वाला, इमरान ऐसी मशहूर में लग रहा है असल में, माफ कर इमरान मशहूर है भाई, कल तो कोर्ट में थे वो, मशहूर तो नहीं थे यार। मरूम वो याद आया मुझे, अमानुल्लाह साहब। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, वो पहाड़ी पे ड्रामे होते थे ना, हाउस पैक हुआ हुआ अमानुल्लाह के नाम, और वो दीवार पे रख के रो रहा है। भाई यार एक कुड़िये ने बर्बाद कर दिया। एक आंधी वो पहले जाती, दूजी आंधी वो पहले जाती, साढ़े हाथ च कुछ नहीं आता। कल भी हमारा प्रॉब्लम पता है क्या, आप हो गए, अमानुल्लाह साहब हो गए, मैं कहता हूँ बब्बू बराल हो गए, आप लोग ना लेजेंड्स हैं। हमारा पता है प्रॉब्लम क्या, हम हीरो नहीं बनाते, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हम हीरो नहीं बनाते, हमें मुर्दा परस्त, हम इंतजार करते हैं खुदा ना खास्ता बंदा चला जाए, फिर हम उसकी ऐसी भी वो करते हैं नौजु बिल्ला, बस सजदा रह जाता है उसके बाद। खुदा का वास्ता है कि हीरोज बनाए, बिकॉज हीरोज बिल्ड अ नेशन। और मेरे जो मसाइल है वो मैं अगर आपको डॉक्टर समझ के डिस्कस कर रहा था तो उसमें पब्लिक तो ना करे। एक को हीरो बना के नेशन बिल्ड करने की कोशिश की, 3 साल में कोलैप्स कर गई। हाँ सर, वो देखिए कुर्बानी के बकरों की मुख्तलिफ इकसाम होती है, उसमें I do, I don't do, do not do है। तो आपकी बात ठीक है वैसे, इतने बड़े बड़े लोग हमारे बिल्कुल पास क्या नहीं है यार, इंस्टीट्यूशंस हैं भाई। मतलब मैं कानों को हाथ लगा के कह रहा हूँ, मुइन भाई की बात कर रहे थे, क्या बंदा इंडिया में अगर ये लोग हो ना तो इनको बकायदा वहाँ पढ़ाया जाए। Exactly. इनके ड्रामे दिखा के, हमारे पीटीवी के ड्रामे आज भी आप पुराने लोगों से मिले, खुदा की कसम वो इनको दे लव देम यार। नहीं नहीं, ये पुणे में दिखाते हैं, पुणे इंस्टीट्यूट। और सर आप बताएं, हमारे प्लेस वगैरह दिखाते हैं। अब आपका चक्कर लगा, गए आप इंडिया गए?
इंडिया गया था शेख साहब की फिल्म के लिए। अच्छा, शेख साहब की भी बड़ी फिल्म है यार। हाँ, इंडिया में भी होंगी। इंडिया में हाँ, नहीं साहब उनकी अपनी प्रोडक्शन के लिए गया था। अच्छा सही। हाँ, तो वो एक बंदा है उधर, राजीव गांधी नहीं, फिरोज नाडियाड वाला। हाँ, नाडियाड वाला। तो वो उससे मेरी फोन पे बात हुई, तो कह रहे यार आप आए, आप जैसा आर्टिस्ट ये वो फला। मैं कहा अच्छा ठीक है, मतलब गाड़ी वाड़ी भेजी, चला गया मिलने। अब जब वो रोल उसने बताया ना कि ये करना है आपने, तो मैंने कहा अगर ये कर लिया मैंने तो फिर यही करता रहूंगा, तो मैंने मना कर दिया। वो नहीं था वैसे। मैं सर अभी लाहौर में भी साहब से मिला, बड़े हमारे पुराने एक्टर थे आसिम साहब। आसिम साहब, आसिम। हाँ, उनकी और जैसे आपसे बात कर रहे हैं, लफ्ज उर्दू की अदायगी, आवाज, ये बड़ा मैटर करता है। बहुत जरूर, बहुत। वो एक्टर का जो सारा एक मामला होते हैं पूरे थे यहाँ पे। अभी लेकिन दूसरा मामला शुरू हो गया है, अब जो एक्टर है। अच्छा, अब तो फोन आ गए ना, उस पे इंप्रेस कर लेते हैं। पहले तो इंस्टाग्राम हो गया तो हर चीज में प्रॉपर। अभी वो आता है, वो बंदा पता चलता है हीरो यार, हीरो पता ही नहीं लगता। किताबें भी लोग नहीं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते। हालांकि बेहतरीन चीजें बुक्स सर, बिल्कुल। मैंने गर्सा पढ़ी है, तार्ज़न की तो सारी कहानियां पढ़ ली है मैंने। लेकिन तुम तो तस्वीरी किताबें ज्यादा नहीं पढ़ा करते थे आखिरी दफा? हां, फिर वो नहीं पढ़ती। जज्बाती के भी नावेल आते थे, किताबें ही पढ़ती। तस्वीर जज्बाती, तुम बोला तो बच्चों की दुनिया, बड़े बच्चों की, बड़े बच्चों की दुनिया। अब वो क्या था, फूल और दुनिया, एक वो भी। आप पढ़ते हैं सर कहानी? तीन औरतें और उनकी कहानियां। आप कहानियां करते हैं? चुका आप होस्ट कर रहे हैं तो मैं आपसे एक जिंदगी का सबसे बड़ा वाक्य शेयर करूं। सर साजिद हसन मेरा फखर और साजिद आर माय इंस्पिरेशन, फखर आलम। किस सेंस? साजिद भाई हर सेंस। अच्छा। बाज चीजें नॉन सेंसिकल है लेकिन मैं सेंस वाली बताता हूँ। साजिद भाई ने कहा कि होस्ट कर रहे हो ना तो तुम बोलते हुए एक मेंटल ब्लॉक आता है, तुम पढ़ा करो, चाहे तुम माचिस पे लिखे हुए लतीफे पढ़ा करो, बिकॉज व्हेन द मेंटल ब्लॉक इज देयर द थिंग स्टार्ट फ्लोइंग। तो वो मैंने फिर वो लतीफे तो नहीं पढ़ सका, फिर उसी गुफ्तगू में सरदारों का जिक्र हुआ, फिर कोई लतीफे चले, फिर उसके बाद सब कुछ कुलफुल आ गया। और दूसरा सजाद अली। So reading is, ये बिल्कुल इस्माइल भाई ने बात की है, is the most important, जो इस वक्त जरूरी है। इस वक्त हमारी reading ये है, वो वाली नहीं, ये वाली। सर लेकिन देखिए ना फिर क्या है, यानी कितने चला जाते हैं यार, समझ नहीं आता। सर मोबाइल स्वाइप कर रहे हैं सर, बट आई लाइक द वे यू से। भी सवाल है ना, लाइक व्हाट यू थिंक, उस पे भी सवाल है ना कि नया दौर अगर है और वो बुक जो है उसने डिजिटल उसकी शक्ल अख्तियार कर ली और ज्यादा विजुअल हो गया, तो ये तो फिर हमें अब तो डिवाइस ऐसी आ गई है वो ई बुक कबूल करें तो पढ़ना क्यों फिर जरूरी। लेकिन वो जो टच करने के बाद तो पढ़ने की लोड ही नहीं पड़ती। सब बुक का एक अलग एक मजा है यार, बुक का एक मजा। तो फिर आप मजे के ट्रक के नीचे आ जाए, आपकी विजुअल जो बनता है बुक के थ्रू भाई, मजा आपका डिपेंड, मजा अलग है, आपका मजा अलग है, साडा मजा खैर तो अलग अलग है ना सबका। क्यों सर उनको शाही सवारी पसंद है? मुझे ये आपको सेब बादशाही मस्जिद पसंद है? सेब पसंद है। अभी से सेब तो अब कहाँ रहे, न्यूटन के बाद। नहीं, आपके अच्छा फेवरेट आजकल लोग कौन काम कर रहे हैं? कोई दो चार तो अच्छे होंगे ना वैसे? नहीं नहीं, तो आज के लड़के बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। फवाद खान के खिलाफ है ना इसके? फवाद खान वो दोनों तरफ आग है बराबर लगी हुई। फवाद खान ने उसने काम ठीक किया अपना, काम अच्छा कर रहा है। और बिजली वगैरह ऐसा कुरैशी बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो इनके भाई के दोस्त भी, इसलिए तो काम है ना। इजाज भी अच्छा काम है, इजाज असलम बाइक वाइक भी। ये बड़े अच्छे एक्टर है सारे, मैं इसमें एक की बात नहीं कर रहा। वैसे ये है वो एक जगह रुके भी नहीं, अब देखें ना इनकी वाली लॉट कितनी डिफरेंट, एक्सपेरिमेंट सारा कुछ। फखर भाई तो जहाज भी उड़ा रहे हैं। जो फखर भाई उड़ा रहे हैं वो जहाज, फखर भाई वैसे सारे काम करते हैं। फखर भाई देखें, फखर तो इंस्पिरेशन है ना, नो डाउट। हम कोशिश करते हैं उनके पीछे फॉलो करें, पहुंचे भाई भी सारे काम करते हैं, वो करवा लेते हैं सारे। वसीम बदामी भी बहुत काम करता है, मगर एक ही चैनल में कह रहा है। वो तो सलमान भाई के घर के काम कर रहा है ना, वो नहीं सलमान भाई, ये सलमान भाई मैं नहीं हूँ, अल्लाह उनका इकबाल बुलंद करते हैं। ये बाल वाल आपके सर फिट है सर। नहीं सर आप देखें, मैं आपको बात बताऊं, एक एक वो था बिग बॉस, एक है विग बॉस। हाँ वो अभी हम लॉन्च कर रहे हैं बिग बॉस। वाह वाह वाह, क्योंकि आधे लोगों का तो मामला है ना, जैसे सर के बाल है, आपके बाल है, मतलब तो सर के बाल होते हैं आप, मतलब आपने उधर का सर के बाल है, इधर भाई के सिर्फ बाल ही है। नहीं वैसे आप समझ रहे ना मैं क्या जी, आप मैं समझ ही रहा हूँ सर। वो जो आजकल हमारे हीरो के मसले हैं कि उसने बाल भी तो लगवाने हैं, और फिर यार कितने हीरो जो हैं उनके बाल नहीं हैं, नाक लगवा रहे हैं। मेरे बालों की खाल उतर चुकी है, बालों की खाल ही उतार दी। वाह, आजकल तो लोग नाक लगवा रहे हैं सर। हाँ, नाक कान गला के कटा करे सब बेकार है। अच्छा आगे असल चीज तो एक्टिंग ही है ना।
एक्टिंग है, असल चीज है दिल का। ये नेचुरल ब्यूटी देखो, ये नजर आ रही है ना, ये काले कपड़े पहनता है, व्हाइट बाल, कौवा लगना शुरू हो जाता है दो मिनट। यार ये तो बड़ी बुरी यार, ये कभी नाराज हो नुमान इजाद कहते हैं, नुमान कहते हैं मैं कोई ड्रामे में था तो मैंने दूजे का ना नहीं दसा को पिस्तौल कट लेता है, कहता आके कहता देख पर आधा डोला, कहता गल सुन जे डोलिया ने एक्टिंग होती ना तो फिर तू हीरो। लेकिन नहीं, नुमान इजाज बड़े अरसे नुमान तो लेजेंड है, कमाल कमाल आदमी, ऐसे लोग हैं अभी। अरे क्या बात है, ऐसी जगह पे ऐसा ऐसा काम करते हैं, वसीम भाई, वसीम भाई कमाल, ये मुझे ये डोले पे बात आ गई, उनसे गल डोलियां थी आ गई है। बात यह कि वो ले कर रहे थे मोहसिन अली साहब जी, सही ताबीर, तो वो आया उनके पास, साहब हम लोग को भी कोई काम वाम जो नहीं, कोई चक्की बक्की पीसने का काम, कोई जेल में हो चक्की बक्की पीसने का। अच्छा एक एक फ्रूट वाला है, वो नाक नून को जो है ना लाम कर देता है, मौसम्बी बेच रहा है तो वो पीछे जो गोल बनी होती है ना जी जी, वो रस वाली होती है, रस का सीन तारीखी दुख में आई है। अब वो क्या बोल रहे, एक काले पाली वाले, वाह पाली वाले, पानी वाले, वाह ठीक 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 है, सही चवली छाप ले, चवली छाप ले, उसका वर्ड ही नहीं हो वो नून और अलग नून में से छीन निकालने का जो तल्लब नहीं, लेकिन उन्होंने तो नून और लान का कंफ्यूजन कर दिया, मतलब अब अनार बेच रहा है, और ये डाली अनार की, नून नून नहीं बोला, नून नहीं बोला, नहीं बोला क्योंकि अनार में आता ही नहीं। अच्छा हाँ इसमें तो आ रहा है, इसमें तो आ रहा है, तो अब नून बोलना भी नहीं चाहिए सर हमारे। वैसे प्लान क्या है सर आप? सर मेरे तो देखें प्लान है, इसके बाद मैं और ये अब जा रहे हैं। वैसे सर इस मीडियम के लिए कोई काम कर रहे हैं? हाँ सर इस मीडियम के लिए, उर्दू मीडियम उन्होंने एक शो बनाया मेरे लिए, तो उम्मीद है कि मुझे उस पर सुना था आप में से एक भाई है, लेकिन अभी क्लैरिटी कब हो रहा है सर? सर बस अभी 10 दिन के अंदर अंदर है, सुनने में तो यही आया। और कौन से चैनल पे? चैनल भी अभी तक हमने फैसला नहीं किया, फैसला नहीं, क्योंकि जिस तरह की उसमें गुफ्तगू होगी उसमें गुफ्त कम ही होगी, तो चैनल मुझे नहीं पता कि कहां जाए। लेकिन आप तो अच्छी बातें करते हैं, इसलिए तो किसी चैनल ने बुलाया, बुलाई ऐसी ऐसी कोई आप बात, मुझे नहीं लगता कि आप, नहीं नहीं मैं तो आपको पता है मेरी तो आदत ही नहीं है। लेकिन इमरान वाली बातें आप वो उस पर बनी हुई है, हाँ वो भी है, हाँ हैंडसम आदमी है सर भाई मेरा, 6 फीट का आदमी है ना मतलब। लेकिन आपका कोई स्कैंडल नहीं बना सर कभी? क्यों किसी को दर्द नहीं आया? अब आप जिस तरफ ले जा रहे हैं मैं जाऊंगा नहीं, नहीं वैसे पूछ रहा हूँ सर, कभी तो कोई हुआ होगा कि यार मतलब, तो यार। कभी तो कहीं पकड़े गए होंगे सर, कभी तो हुआ और पूछ रहे ने सैंडल तो स्कैंडल द सफर 200 साल कभी नहीं बना सर? बना किस दिन? आज बता दें सर, आज खुल के कह रहे हैं जिस तरफ ले जा रहे ना मुझे, ऐसे सर बना होगा उस दिन मतलब उस दौर में आप टीवी पे आना, मतलब लोगों को क्यों बताऊंगे सर बात, नहीं मैं ऐसी बोल रहा हूँ शेर थे अली शेर ही है, नहीं फिर भी चले अब तो अभी का पूछे, अब तो इज्जत वाली उम्र होगी ना, वो बंदा कह रहा है क्या करूँ यार, अब तो ये स्कैंडल भी नहीं रहा क्योंकि अब तो उनके लीगल राइट्स भी आ गए, नहीं कभी नहीं आया ये भाई के ना, जैसे आपके भी नहीं सर कभी कोई सुने तो नहीं, लेकिन उस्ताद फखरे आलम हो पता नहीं कभी असी बड़े क्लियर हैं सर। अच्छा ये है वैसे खुला भाई, वेरी गुड, खुले मामला था फिर टाटा टाटा की, हमारा तो सर वो हमारा आपस में बना हुआ स्कैंडल बना हुआ आपस में, हाँ स्कैंडल है ना सर, आप बता दें सर आज को ये बता दें हो गया हो मशहूर या लोग कह रहे हो या गलत समझे हो या एक्चुअल ले जा रहे हो वो गलत हो जाएगा, तो कौन था? नहीं नहीं कोई कोई भी कर रहा हूं, अच्छा, मना कर, कोई वजह है ना भाई इसकी, कोई वजह है ना यार, मैं क्यों नाम लूं किसी का, गलत हो जाएगा। अब तो डायना को मरे हुए भी कितने साल हो गए, 20 साल तो हो गए, अब ऐसे क्यों आप, मेरे भी क्वीन अभी गई नहीं, क्वीन तो देखे वो क्वीन के बारे में तो उस्ताद ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा नसीम शाह थे दो चिकियां थे असी भी परेशान सा, लेकिन कोई नहीं थे दिल से ले लेंगे। इसमें सर हमारे पास आज हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, पॉडकास्ट करते हैं, बड़ा अच्छा पॉडकास्ट करते हैं आजकल के दौर के, वो आपसे भी मिलना चाह रहे थे, आपके फैन भी हैं, हमने उनको कहा कि अगर वो हमें, बल्कि शायद वो जो नया शो जो है उसमें वो भी है, वेरी गुड, वो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं सर, और आज जो एक तो हर कोई कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, बट वो बड़ा एक
अच्छा, उसके अंदर उनका सेंस है, सियासी तौर पे भी बड़ा सेंस रखते हैं वो स्पीकिंग पावर जो होती है ना वो फिर काम दे, मतलब सारे मामला उन्होंने बराबर रखे हैं। सही कह, वैसे नहीं है कि मतलब अच्छा अच्छा आदमी, तो मैं उसको बुला लूं अगर आप बुरा ना। क्यों नहीं बुलाया आपने अभी? बुला लूं जी मैं शहजाद गयास साहब, हमारे दोस्त और हमारे भाई, वेरी गुड स्टैंड अप कॉमेडियन, पॉडकास्ट करते हैं बड़ा अच्छा और अक्सर हमें टाइम भी देते हैं, ज्यादा ही दे रहे हैं। शहजाद गयास भाई थैंक यू वेरी मच। हाय सर, वैसे तो दे नहीं रहे, आपसे मिलने सिर्फ आया हूँ मैं यहाँ पर। इनसे आपने वो चीजें सीखनी है और सलमान भाई से आपने क्या सीखना है वो बताइए। सलमान भाई से जो सीखता है वो मैं बचपन से वेब कैफे जा रहा हूँ। सलमान भाई, भाई सिंध से ताल्लुक है, अकेला रह रहे, जगह इसके पास भी मैच पैगी फिर गल बदल लगी सारे। नहीं नहीं वेरी गुड पॉडकास्ट, वो तो लग रहा है यार पॉडकास्ट बड़ा अच्छा करते हैं सर। अच्छा, बड़े मजे का। और वो पॉडकास्ट को सिंधी में क्या कहते हैं? क्या सर कहते हैं? सिंधक पहुंची नहीं अब तक। अच्छा ठीक है, वो सक्कर और ठट्टा भी रुके हुए, कचहरी कचहरी लिफाफा लेकर आया हूँ और टॉपिक उन्होंने दिया है कि तारा साहब सीनियर्स की इज्जत क्यों नहीं करते, मतलब नए नए लोग आते हैं उनको लगता है बस वही है। नहीं नहीं गलत कोई है, गलत बात है, कैसे लोगों के वो डिजिटल शोज में जाके लोगों के बारे में, ऐसे कई लोग हैं यार, बहुत लोग। मैं खुद क्यों नहीं सर, नए बच्चे अपने आप को क्या समझ यार। बात ये है कि अगर सीनियर हैं तो बस सीनियर हैं, ठीक है ये बात, लेकिन अब ये तो नहीं है ना कि भाई उनके सिर्फ जो है वो चुपचाप बैठे रहे, सीनियर बैठा हुआ सीनियर बोले साथ साथ बोलते जाए, तो सीनियर अपनी जगह ही है। वो एक उसकी वो आप आए काम करने के लिए ना, तो आप सीनियर को एक तरफ रख दे और काम शुरू करें बस। सीनी सीनी इससे में निकलना पड़ेगा बात, फलाना साहब आ गए सेट पे और मैं उनको देख के मैं तो एक्टिंग ही नहीं कर सका क्योंकि वो इतने सीनियर है। नहीं नहीं ये क्या बात है, जैसे जिंदगी में वैसे। क्या नाम है? अभिषेक बच्चन को मैंने ट्विटर पे भी बोला था, मैंने कहा अमित साहब जो है वो बेचारे बहुत बूढ़े हो गए, कुछ करो अब, कब तक अंकल काम करेंगे। उनका मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मेरे अब्बा जो है वो कह रहे थे कि वो जब उनकी शायद टांग में चोट लगी थी किसी फिल्म की शूट पे, उसके बाद से उनके घर के बाहर लोग आते हैं जो हर हफ्ते आते हैं, तो उनके अब्बा ने कहा कि मैं हमेशा ये लोग जो है मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं दोबारा अच्छी एक्टिंग करूँ। उस दिन से वो सेम वही कर रहे हैं। नहीं उनका वो भी अच्छा प्रोग्राम होता है, बहुत यार करोड़पति वाला जी, जी बहुत अच्छा होता था। अब तो मेरा ख्याल खत्म हो गया। नहीं नहीं वो इंडिया के फहद मुस्तफा है भाई। इंडिया के फहद मुस्तफा है। नहीं हमारे को भी वैसे इंडिया टाइप एक शो शुरू हुआ है ना सर, वो बिग बॉस की तरह, वो जो कमरे में बंद कर दिया सबको, बंद कर दिया। अदनान सिद्दीकी को शुक्र नहीं किया वरना तो वरना सारे दीवारें कूद के भाग रहे हैं बिग बॉस के। गायबाना तारुफ आपका हुआ है उस शो में आपको होना चाहिए था, मतलब एक कमरे में बंद करके कैमरा लगाए और अली सलमान कौन देखेगा ये यार, वैसे बिग बॉस इनको होना चाहिए था। अगर मुझे कमरे में बंद करके कैमरा लग गया तो मैं डिपोर्ट हो जाऊं। से डिपोर्ट तो सर एक पर्सनालिटी है मशहूर जी जी, उसको मैं और ये गैस कर लेंगे, मतलब आपस में बात कर लेंगे क्या है। आपने बताना है कि क्या है। ठीक है, अनवर मकसूद साहब। अभी तो शुरू नहीं हुआ। अच्छा मतीरा। आप जिस तरह दूसरे की तरफ देखा, मैं और इस्माइल भाई पहुंच गए। नहीं सर नहीं, मतीरा नहीं, नहीं इस्माइल भाई सवालात कर सकते। क्या उनका ताल्लुक मीडिया से है? बड़े मशहूर शख्स है। अच्छा। हरीम शाह। नहीं नहीं यार, मेल फीमेल या क्या कर रहे हो? मेल फीमेल सर, मेल इंटरेस्टेड इन फीमेल। यस, अली सलमान से एक चीज भी उनकी मिलती है, वो भी बिस्तर चेक करते हैं। ये हिंट है, हिंट है। हाँ, हाँ, ऐसी बात नहीं हुई, पूरी कॉम ने उनको बिस्तर चेक करते हुए देखा है। मैं पहुंच गया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहुंच गया, वॉक कर रहे होते सीवी पे शाम 5:55 पे निकलते, शहबानी मुस्लिम से सीधा जाते हैं, उम्र उनकी लंबी है और जीब्रा क्रॉसिंग को आगे पीछे करें तो नाम आ जाता है। उनमें और हम में एक फर्क है, वो जो फेंकते हैं हम रख लेते हैं। बड़ी मतलब किसी को नहीं छोड़े। अच्छा, किसी को नहीं छोड़े हमारे मुल्क के हीरो। हीरो पर्सनालिटी कमाल। अच्छा मतलब सही, एक तरफ उन्होंने रिकॉर्डिंग की बोतल फेंकते हुए कैमरा ऑफ करके दूसरी तरफ पकड़ के गाड़ी में रख दी। और अगले चौक पे पकड़े गए। अच्छा नहीं गलत, नहीं कैचर तो वसीम अकरम है। नहीं पकड़ा उनको सिर्फ हुमायूं सईद ने।
वही पकड़ सकते सलमान भाई आप मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ तो भूल ही तो उनके तो जानने वाले हैं आपके भी दोस्त हैं वो हाँ आपके भी इनके भी दोस्त अच्छा इनके सारे दोस्त ही ऐसे निकल बोल रहे बाइक भी चलाते हैं बाइक चलाते हैं चलाते तो है बाइक नहीं चलाते लिफ्ट लेते फिर लिफ्ट नहीं लिफ्ट की लेते तो ऊपर कैसे चढ़ते हैं 20 स्टोरी पे अच्छा ह्यूमर है नहीं तो 20 स्टोरी पे कैसे चढ़ते हैं अगर लिफ्ट नहीं लेते मतलब लिफ्ट बहुत जाने की ट्रेनिंग है नहीं वो चढ़ने का सीन नहीं है उधर के भागने की कहानी है हां वो तो कह रहे हैं मायो तो नहीं है खिड़की से निकल रहा है खिड़की से निकल कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं मायो नहीं है वो पकड़ा जाते हैं मायो भाई के भी दोस्त हैं मायो भाई के भी दोस्त हैं देखिए ये आप चले ठीक है इस्माइल भाई अपने जमाने में सोच रहे हैं शेख साहब नहीं है नहीं शेख साहब नहीं है किसी हद तक मैं वही जा रहा था मुझे पता है मैं वो आपको पहले बता दिया नहीं आज के दौर में काफी अच्छा टॉप काफी टॉप हां बड़ा आदमी है बड़ा एक्टर जी जी बड़ा एक्टर है जी जी प्रोड्यूसर भी है प्रोड्यूसर भी है नहीं नहीं और मतलब टीवी पे भी बहुत कमाल मशहूर तरीन काम किए हैं अच्छा अदाकार सदाकार बहुत ख्वार अदाकार बहुत ख्वार सदाकार सदाकार भी है बहुत ख्वार मतलब अदाकार आंखों में आए हुए भैया एक्टिंग को ख्वारी का काम है आपके पहले बंदे का काम थोड़ी है बहुत कमाल मेहनत है माशाल्लाह आपको करनी पड़ती है पीपल डोंट अंडरस्टैंड द हार्ड वर्क पूरा दिन काम करें तो अली सलमान नहीं है वो अली सलमान चौक वही है अच्छा मतलब चौक से मुराद मतलब बड़ा एक्टिंग का प्रोडक्शन का वैसे एक आदमी और सारे शशके पूरे प्रोड्यूसर भी है बड़े बड़े लोग राइटर्स के साथ भी किसी खास चैनल के साथ काम करते हैं सीईओ भी हो सकते हैं आजकल खास चैनल के साथ काम करते हैं कुछ है ऐसा लेकिन नॉट लाइक दैट आजकल शायद कंफ्यूज कर रही है आजकल कर रहे हैं आजकल किसी चैनल के साथ है सीईओ की पोजीशन पे तो नहीं है खुदा ना खास नहीं सर नहीं बस ठीक है वहां तक पहुंचने नहीं देंगे हम लोग नहीं नहीं बहुत देखे लगता नहीं पहुंच सकते हम इतना मैंने एंड दे दिया कि मतलब नहीं नहीं मैं देखे मेरे सारे एक और मैं नाम नहीं लेना मैं बता रहा एक और लतीफे एंड मतलब 24 घंटे के लतीफे बहुत सुना रहा मैसेज भी करता यार आप नहीं पहुंचे लतीफे आ रहे बिकॉज यू नेवर कमिंग बैक सर ये क्या बातें कर रहा है निकल जाती है आप पहुंचे कैसे नहीं इतने अपकमिंग आर्टिस्ट उन तक पहुंच चुके हैं आप नहीं पहुंचे आजकल टीवी पे आ रहे हैं घंटों के लिए आ रहे हैं एक दो घंटे के लिए आ रहे हर एड में तकरीबन दूसरे हर एड में नहीं काफी एड में आते बिल्डिंग्स के एड में भी आते हैं मैं तो पहुंचाऊंगा जो रोल हो कहीं फादर कहीं डैडी हर रोल बनकर आ रहे हैं गद्दे भी बेचे हैं गद्दों में गद्दे होके बैठे थे आप कोखो में नाम नहीं लेना चाह रहा छोड़ देना आप पहुंच गए आप कौन बहु सर पहचाने मैं तो पहचाने मैं पहचाने नहीं नहीं मैम नहीं पहचाने वो भी नहीं पहचाने वही वही अदनान सिद्दीकी भाई यार इतना मतलब यार इतना उसके साथ मुझे नहीं था इतना इतना बड़ा मुझे डिटेल नहीं मालूम कुछ बड़ी आसान खुद नहीं मालूम मेरे भाई को अपने बारे में इतनी डिटेल बड़ी आसान डिटेल अच्छा हाँ लतीफे बहुत सुनाते लतीफे बड़ा एक्टर है मैं लतीफों से वहाँ पहुंच गया था वैसे शौकीन आदमी है बहुत शौकीन आदमी मैं आपको बताऊं मैं फिर वही तारीफ वाली बात है ये साजिद हसन का मैं जिक्र कर रहा हूँ इस्माइल भाई इरफान खान मरहूम इंडिया से आए हुए थे पाकिस्तान में वो जो फिल्म बन रही थी माइटी हार्ट थी जी जी साजिद भाई एक सीन में आते हैं और तब तक इरफान से मुलाकात नहीं थी और अदनान के साजिद भाई का ईट कुत्ते वाला वैर है मैं नहीं बताऊंगा ईट कौन थी उन्होंने आके पूछा इरफान ने पूछा साजिद भाई ने सिर्फ आके एक बोल पहले साजिद भाई आए उनके पास लैंड क्रूजर थी चाबी अंदर छोड़ा गाड़ी लॉक हो गई साजिद भाई सेट पे आके कहते वापस गए फिर दोबारा आए उन्होंने जब अपना सीन कर लिया कट हो तो इरफान अदनान सुनाते हैं इरफान ने कहा ये महापुरुष कौन थे अबे साजिद है ये महापुरुष कौन है मैं इनके चरणों को हाथ लगाना चाहता हूँ एंड ही मेंट इट अदनान ने कहा भाई क्या वो कहता आपने इनकी आपने देखा इनकी आंखों की इंटेंसिटी यार क्या उस दिन अदनान ने साजिद भाई की इज्जत करना शुरू किया यार वैसे वाकई है साजिद भाई इरफान भाई अदनान भाई से सही वक्त नहीं मिले वरना आंखों की इंटेंसिटी उनकी भी बहुत है नहीं तो आप इरफान की तरफ नहीं आ रही थी बस हम इरफान चले गए वरना हम आपको
कई चीजों पे। नहीं लेकिन यार वैसे क्या कमाल आपने बात, क्या एक्टर है यार, हम हीरो नहीं बनाते। मैं आपको बताऊं, इस्माइल भाई से पूछे कितने लेजेंड्स इस तरह दुनिया से चले गए होंगे, आज उनका नोबडी रिमेंबर्स देम। वी आर अ नेशन, वी आर एन अनफॉर्चुनेट नेशन। वो कॉम ही नहीं होती जिसमें हीरोज नहीं होते, राइट? वो कॉम भी नहीं होती जिसमें एक हीरो और बड़ा गर्व करते, मतलब ये हम डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भाईजान, आपका बहुत शुक्रिया। और सुना है क्या कर रहे हैं अदनान सिद्दीकी साहब? ये सिर्फ आपके लिए अदा कर दिया ना, बस कर दिया सर, मैं उनका पत्ता काट रहा हूँ। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप मतलब हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, आप लोगों से मिला हूँ मैं। नहीं हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, चलो आप खुशियाँ लेने का। और भाई हमारे बड़ी हमेशा मोहब्बत करते हैं हमसे, और मैं इसलिए मेरे लिए तो ये लेजेंड है भाई, इट्स एन ऑनर एंड अ प्राइड टू बी विद पीपल लाइक हिम, बिकॉज़ मैं मुइन भाई एज वाज लाइक अ फादर फिगर टू मी। कमाल, और वो जिस तरह की कहानियां सुनाते अभी इस्माइल भाई के, यू नो इफ यू रियली वांट टू नो द मैन आस्क अबाउट हिज स्ट्रगलिंग डेज, वो दैट विल रिवील द इस्माइल तारा हु ही इज टुडे, इज दैट 40 इयर्स ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड हिम। नो डाउट, हमें वो हम उसका जिक्र ही नहीं कर रहे इतने, मैं खुद कॉमेडी कॉमेडियन आ चुके हैं, आज तक 50-50 जैसा शो नहीं आया। बिल्कुल, आई मीन जो तारा साहब काम करके गए हैं बस वो मैच हो लोग यार अमेजिंग, वो आज भी हैं लेकिन अभी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हम उनको। मैडम की फिल्म थी हाथी मेरे साथ थी, वो किया था। बिल्कुल यार, तो ये तो बात सुने ना, ये तो इसी में कोविड गुजारा। अच्छा, क्या थी वो आखिरी फिल्म थी आपकी सर? वो आखिरी फिल्म थी मैडम की, तो और भी फिल्म है ना, मसलन लव 95 उनकी थी, और अपना क्या नाम है उसका, तीन चार फिल्में और चार पांच फिल्में की होंगी मैडम। हाँ, श्रीलंका में कितनी फिल्में की होंगी, बड़ी नफीस खातून, बड़ी नफीस मैडम की। देखिए वही वाली बात है ना कि हम फिर अनफॉर्चुनेट चलें, ये दुखड़े हैं इस पे, क्या इस पे पे बात, वही बात है फिर बार बार। लेट्स एंड इट एट अ गुड नोट। बिल्कुल बिल्कुल, आज ही हमारा साथी से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी मोहब्बत है कि आप तशरीफ लाए। जब आप बुलाएंगे, आप डेंगू से बहुत डरे हुए थे लेकिन फिर भी देखा तो कुछ भी नहीं, क्या नहीं डेंगू से डरे हुए थे, शारज ने उस तरफ किया था लेकिन डेंगू से आप डरे हुए थे, नहीं वो सही है, आपको ख्याल रखना है ना, मैं वो फैल गई वबा है खास तौर पर इस चीज में, तो बहुत डरना चाहिए। नहीं नहीं आप माशाल्लाह अल्लाह आपको, वो मच्छर की बात कर रहे हैं, आपको मच्छर को डरना चाहिए, मच्छर को डरना चाहिए बात। यार आप देखे ना यार, मैं मतलब ये बहुत शैतान आज, बहुत शैतान, ये शैतान को तावीज देता है। मैं सुना मेरे को बीमारी ना दस जितना तावीज लेके, मैं क्या तावीज वाला, तावीज से मैं कुछ और चला गया, अपनी जगह हो तो बीमारियों का ख्याल रखना पड़ता है, चली जाता है। थैंक यू सलमान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, व्हाट अ प्लेजर, आपकी मोहब्बत, थैंक यू ऑल ऑफ यू, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात हो इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी, ऑडियंस दैट्स ऑल फॉर टुडे, और अगले हफ्ते दोबारा किसी इसी तरह के बड़ी पर्सनालिटीज के साथ हाजिर होंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया भाई, दैट्स ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।